गुड मॉर्निंग दोस्तों, जो टॉपिक आज आप लोगों के समक्ष लाया हूँ वो है बिग डाटा स्टार्टअप। कैसे आप भी अपना बिग डाटा स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, इन सारी चीजों के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है, गौरव दलहिराव मेरा यूट्यूब चैनल है। कृपया सब्सक्राइब करें दोस्तों, ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। तो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मेरा मोबाइल नंबर है 9906942230 और मेरी ईमेल आईडी यहां दी हुई है, आप पॉज करके सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बिग डाटा एनालिटिक्स के बारे में और ये डाटा किन लोग, ये जो पूरा कंटेंट है ये किन लोगों के लिए बेनिफिशियल है, आइए बात करते हैं। तो बिग डाटा एनालिस्ट अगर आप हैं तो ये पूरा कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है। बिग डाटा प्रोफेशनल्स हैं, बिग डाटा एंथुजियास्ट हैं, बिग डाटा डेवलपर भी हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा आवश्यक कंटेंट है ये जो पूरे वीडियो में मैं दिखाने जाऊंगा। बिग डाटा टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स, बिग डाटा कंपनी ओनर्स, बिग डाटा इन्वेस्टर्स, बिग डाटा इन्वेंटर्स और बिग डाटा स्टार्टअप स्टार्टर्स, जिनके मन में स्टार्टअप शुरू करने का मन है। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम बिग डाटा के बारे में बात करें, इस पूरे वीडियो के एंड में केस स्टडी है जो आपके लिए बेनिफिशियल है, किस तरीके से उसमें बताया गया है कि कैसे कुछ बड़े स्टार्टअप्स बने बिग डाटा के और किस तरीके से उन्होंने अपने रेवेन्यू मॉडल्स को स्ट्रीमलाइन किया लोकल इकोनॉमीज के हिसाब से, लोकल जरूरतों के हिसाब से और लोकल प्रॉब्लम्स को सॉल्विंग सॉल्यूशंस के हिसाब से। तो मैं ये सारी चीजें आपको दिखाता रहूंगा और लास्ट में केस स्टडी भी बताऊंगा। तो पूरा वीडियो जरूर देखें अगर आपका मन है अपना खुद का बिग डाटा स्टार्टअप शुरू करने का। बट इससे पहले आइए जान लेते हैं बिग डाटा स्टार्टअप होता क्या है या बिग डाटा है क्या। तो मैं आपके लोगों के समक्ष एक वीडियो लेके आया हूँ, आइए जानते हैं। The time of spreadsheets is over. A Google search, a passport scan, a barcode reading in a supermarket, your online shopping history, an EKG reading, CCTV footage, a photo of a sandwich, a voice message, a tweet. All of these contain data that can be collected, analyzed, and monetized. Supercomputers and algorithms allow us to make sense of increasingly larger amounts of information in real time. In less than 10 years, CPUs are expected to reach the processing power of the human brain. तो दोस्तों, आपने जाना किस तरीके से बिग डाटा ने अपना काम किया है और कितने अच्छी तरीके से उसको लेके गए हैं। दोस्तों, मैंने यही बताना था कि आपको बिग डाटा किस तरीके से शुरू हुआ, क्या है बिग डाटा। आइए बात करते हैं कि बिग डाटा की मार्केट ग्रोथ और मार्केट अपॉर्चुनिटीज कितनी है। वर्ल्ड वाइड बिग डाटा मार्केट रेवेन्यूज जो है सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के, वो प्रोजेक्टेड है 42 बिलियन से लेकर 103 बिलियन तक, जो कि 2027 तक पहुंचेंगे। अटेनिंग ए कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अराउंड 10.48% पर एनम। एंटायर ग्लोबल सॉफ्टवेयर मार्केट जो है वो तकरीबन 628 बिलियन रेवेन्यूज में पहुंच जाएगा और जो कि अब है सिर्फ 302 बिलियन फ्रॉम एप्लीकेशन रेवेन्यू ओनली। इंडिया बिग डाटा मार्केट में ह्यूज और एम्पल अपॉर्चुनिटी रखता है और अगर आपका कोई आइडिया है बिग डाटा अपॉर्चुनिटीज या बिग डाटा एनालिटिक्स को लेकर, तो आप शुरू करें। बिग डाटा एंटरप्राइजेस में तकरीबन 80% यूज हो रहा है, 63% स्मॉल मीडियम मेंटर बिजनेस एंटरप्राइजेस में यूज हो रहा है। तो क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट और रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है अगर आप खुद का एक बिग डाटा स्टार्टअप खोलते हैं। तो दोस्तों, एक स्ट्रक्चर्ड एंटिटी प्राइवेट लिमिटेड से ही बिजनेस शुरू करें, इसके अलावा बिजनेस शुरू ना करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा और बहुत ज्यादा उपायकार एक तरीका है अगर आप खुद का एक बिग डाटा स्टार्टअप खोलने जा रहे हैं। स्टार्ट करें, जीएसटी नंबर जरूर लें, बिना जीएसटी नंबर के कोई भी बिजनेस लीगल नहीं है आज के टाइम पे। एमएसएमई लाइसेंस जरूर लें और एमएसएमई के फायदे आपको मिल जाएंगे। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा। ISO लाइसेंस जरूर लें और टेक्नोलॉजिकल ISO लाइसेंस बहुत सारे निकल रहे हैं और काफी अच्छे हिसाब किताब हैं और इससे आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एशिया और यूरोपियन रीजन की असेस कर पाएंगे। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लाइसेंस भी ले सकते हैं अगर आप बिग डाटा को एज ए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के तौर पर लोगों तक डिसेमिनेट कर रहे हैं। IPR लाइसेंस इंटैक्ट रखें, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, कॉपीराइट हो या पेटेंट्स हो, अपनी टेक्नोलॉजी को लेके सजग रहें और अपने IPR लॉज को जानें और पहचानें और अपने IPR राइट्स को इंटैक्ट रखें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी आप ले सकते हैं अगर आप सॉफ्टवेयर एज ए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस जरूर लें अगर आप कमर्शियली बिजनेस कर रहे हैं। अब जानते हैं बिग डाटा वेज या बिग डाटा अपॉर्चुनिटीज को किस तरीके से यूटिलाइज किया जा सकता है, किन वेज में यूटिलाइज किया जा सकता है। बिग डाटा एनालिटिक्स हार्डवेयर को आप अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, बिग डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर को आप बहुत अच्छी तरीके से अपॉर्चुनिटी के तौर में यूज कर सकते हो, बिग डाटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बना सकते हो, बिग डाटा प्रोजेक्ट्स
बना सकते हो, बिग डाटा सिस्टम्स बना सकते हो, बिग डाटा ब्लूप्रिंट्स तैयार कर सकते हो, बिग डाटा टूल्स बना सकते हो, बिग डाटा रिसोर्सेज बना सकते हो, एम्पल अपॉर्चुनिटीज है, एम्पल तरीके हैं। अब अगर देखा जाए टेक बिग डाटा एरियाज टू वर्क ऑन, किन किन एरियाज पे आप काम कर सकते हैं, बायो बिग डाटा, डेमोग्राफिक एनालिसिस, एआई बिग डाटा, वीआर बिग डाटा, फिनटेक बिग डाटा, रिसर्च प्लेटफॉर्म, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर एनालिटिक्स, मार्केट परफॉर्मेंस, वेदर सिस्टम और इंडस्ट्रियल एनालिटिक्स, लॉजिस्टिकल बिग डाटा सपोर्ट आप एक तरीके से तैयार कर सकते दे सकते हो इस प्लेटफॉर्म को, ट्रैफिक मैनेजमेंट बिग डाटा सॉल्यूशंस आप बना सकते हो, टूरिज्म एनालिटिक्स बिग डाटा टूल्स बना सकते हो, इंश्योरेंस एनालिटिक्स टूल्स बना सकते हो बिग डाटा के थ्रू, बिग डाटा एनालिटिकल डैशबोर्ड बना सकते हो और काफ़ी कुछ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है दोस्तों इसमें, बहुत अच्छा एरिया है ये। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अगर आप जाते हो तो आप पॉज करके देख सकते हो कि इतने सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो और इन सारे में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आप बिग डाटा के फ्यूचर को और ज़्यादा प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो। आप बात करते हैं बिग डाटा प्लेटफॉर्म्स की, वेयर वी कैन इंप्लीमेंट इट, बिजनेस ऑटोमेशन में यूज हो सकता है, बिजनेस प्रोसेस में यूज हो सकता है, बिजनेस स्ट्रेटजी में यूज हो सकता है, बिजनेस मॉडल में यूज हो सकता है, बिजनेस मैनेजमेंट में यूज हो सकता है, ईआरपी और सीआरएम में यूज हो सकता है, ह्यूमन रिसोर्स में यूज हो सकता है, रिक्रूटमेंट में यूज हो सकता है, इंटरनेट इंटरनेट में हो सकता है, कोलैबोरेशन में हो सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो सकता है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट में हो सकता है, कस्टमर सपोर्ट में हो सकता है और बिजनेस ऑटोमेशन टूल्स भी हो सकते हैं। अब अगर आप खुद का एक बिग डाटा कंपनी खोलना चाह रहे हैं तो किन चीज़ों को ध्यान में रखें, जो बेसिक चीज़ें हैं, स्मार्ट स्मॉल या स्टार्ट स्मॉल दोनों ही एक चीज़ है। अगर आप शुरुआत में बिग डाटा के बिजनेस में आना चाह रहे हैं तो बहुत शुरुआत से, बहुत छोटी चीज से शुरू करें, एक्सपेरिमेंट करें अपने बिग डाटा के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी काम कर रहे हैं आप, प्रोसेस करें डाटा वाइजली और कोशिश करें डाटा खराब ना हो, इसलिए डाटा को वाइजली यूज करें, कंबाइन करें मशीन और ह्यूमन अप्रोच को, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज करें, डिफरेंट कंट्रीज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्टडी करें, रिसर्च करें, उसे डेवलपमेंट में लाएं और उसे ह्यूमन अप्रोच, अपनी ह्यूमन इंडियन अप्रोच के थ्रू उसे मॉडिफाई करें, अपनी टीम जो है उसे राइटली फॉर्म करें, उसे राइटली समझाएं, सिखाएं और आगे बढ़ाएं और टीम कोऑर्डिनेशन बना के रखें, राइट टूल्स को अपने साथ रखें और राइट टूल्स का मतलब ये है फ्री से लेके पेड सारे टूल्स को अपने अच्छे तरीके से यूज करें। एक्सपर्टाइज कम फ्रॉम प्रैक्टिस और प्रैक्टिस धीरे धीरे होगी। व्हाट कैन बी डन थ्रू बिग डाटा, देखा जाए तो डाटा माइनिंग कंसल्टेंसी सर्विस शुरू कर सकते हो आप, बिजनेस इंटेलिजेंस कंसल्टिंग शुरू कर सकते हो, सेटअप साइंटिफिक कंप्यूटिंग सर्विस शुरू कर सकते हो, फ्रॉड डिटेक्शन सर्विस शुरू कर सकते हो, क्रिएट एंड सेल डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकते हो आप और सेल आउट कर सकते हो, क्रिएट एंड सेल सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर कर सकते हो तैयार और उसे बेच सकते हो क्योंकि लोगों की सिक्योरिटी नीड्स बढ़ रहे हैं। स्टार्ट एन एडवांस एनालिटिक कंपनी, अगर आप देखा जाए तो गूगल एनालिटिक्स बहुत बड़ी कंपनी है और आप भी वैसा कुछ कर सकते हो। स्टार्ट ए पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एजेंसी, ऑब्वियसली बात है डाटा प्रोटेक्शन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे, अगर आप उसका कुछ सोल्यूशन दे देंगे तो आप बहुत बड़ी प्रोटेक्शन एजेंसी के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे। बिल्ड एंड सेल सफिशियंट डाटा माइनिंग एनालिटिक्स टूल्स जरूरी है आज के टाइम पे। स्टार्ट डाटा एनालिटिक्स ब्लॉक, शुरुआत जरूर करें इससे और इसके थ्रू अपने नए ट्रेंड्स को लोगों तक पहुंचाएं और नेटवर्किंग बनाएं। स्टार्ट एन ऑनलाइन डाटा प्रोटेक्शन फर्म, अपनी डाटा प्रोटेक्शन फर्म जरूर खोलें। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी डाटा प्रोटेक्शन या डाटा बिग डाटा का यूज है तो आप उसे भी यूज कर सकते हो। लोगों के डिफरेंट ट्रेंड्स, शॉपिंग ट्रेंड्स और शिपिंग ट्रेंड्स, ड्रॉप शिपिंग ट्रेंड, सारी चीजें। स्टार्ट ए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सर्विस जरूर शुरू कर सकते हैं आप। ऑब्वियसली बात है आजकल सीआरएम का जमाना है, प्राइवेट क्लाउड सर्विस बिजनेस में कूद सकते हैं। बेसिक और फाउंडेशंस क्या है जिन्हें अगर आपने इग्नोर किया तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी, जिसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर जरूर बनाएं, क्लाउड कंप्यूटिंग को मदद में लें और उसके थ्रू अपने डाटा को सर्च करें, स्टडी करें और सेव करें। डेवलपर्स और दोस्तों के साथ नेटवर्क रखें, अपना डाटा साइंटिस्ट फ्रंट सेंटर और रिसोर्स सेंटर जरूर बनाएं, ओपन सोर्स मेटर्स जितने भी हों उनको यूज करें, राइट रोल रखें अपना अपनी टीम का, टेक अप ए कोर्स एंड कंप्लीट इट, कोशिश करें कि अपने जितने भी कोर्सेज हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के वो पूरे करें और ज्ञान प्राप्त करते रहें लगातार। चूज करें एक अच्छा टूल और लैंग्वेज जिसको आप स्टिक करके बहुत अच्छा काम कर सकें, हडूप और ऐसी सारी चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं और आगे बिजनेस के तौर पे ला सकते हैं। पीयर ग्रुप के साथ जुड़ें और कोशिश करें उसे और बढ़ाएं नेटवर्किंग के तौर पे और बिग डाटा के एक सॉल्यूशन को इंडिया में खड़ा करें।
फोकस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जस्ट नॉट थ्योरी, थ्योरी पे डिपेंडेंट ना रहे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का यूज करें, राइट रिसोर्सेज यूज करें, वर्क ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स को बहुत अच्छी तरीके से बनाएं, नेटवर्क करें और टाइम वेस्ट ना करें. आप जो टॉप 10 या टॉप 7 बिगेस्ट वर्ल्ड के जो डाटा स्टार्टअप हैं उनके मैं नाम बता देता हूँ. इसमें से लुकर है, रेनोमी है, न्यूटन है, सोशल डाटा कलेक्टिव है, सिग्नल्स एनालिटिक्स है, डाटा रोबोट है और ग्लूएंट है. अब इनमें से दो मैंने लिए हैं ताकि आपको बताऊँ. लुकर इज ए बिग डाटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि 2011 में एस्टेब्लिश हुई थी. प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन जो कि हेल्प करता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को बिग डाटा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस के हिसाब से. कलेक्शन प्रोसेसिंग बिकम मच ईजियर और सॉफ्टवेयर इंप्रूव डाटा अमंग शेयरिंग टू द डिपार्टमेंट्स. और जो कंपनी है मोर देन 70 बिलियन डॉलर्स की एंटिटी है. लुकर कैन बोस्ट अबाउट अ कॉपरेशन विद बिग डॉग्स लाइक अमेज़न एंड सोनी. लुकर ने बहुत ज्यादा मदद की है और बहुत ज्यादा कॉपरेशन कर रहा है बिग डाटा में. डाटा रोबोट भी एक ऐसी कंपनी थी और स्टार्टअप था जो कि बहुत बड़ी है, जो स्टैब्लिश हुई थी 2012 में और विच डील्स इन मशीन लर्निंग टास्क. फाउंडर्स ने स्टैब्लिश किया था ऑटोमेटिक मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू डाटा साइंस यूज होती है. प्लेटफॉर्म कैन बी यूज टू बिल्ड वेरी प्रिसाइज predictive model which allow business owners to save money on predictive analysis. The tool is so powerful, इतना बड़ा कि 120 million funding उसने जोड़ ली. अगर आप खुद का एक स्टार्टअप रखना चाह रहे हैं बिग डाटा का तो इन चीज़ों पे ध्यान रखें. स्टार्ट स्मॉल, एक्सपेरिमेंट करते रहें, प्रोसेस करें डाटा को और ये सारी चीज़ें. और अब मैं वो दो केस स्टडी आपके सामने लाया हूँ, एक क्रॉपिन है और एक रियल बॉक्स है. रियल बॉक्स एक नोएडा बेस्ड कंपनी है जिसने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बनाए हैं, बहुत अच्छी सर्विसेज देता है बिग डाटा सॉल्यूशंस को लेके. और क्रॉपिन जो है वो एक कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, इसने भी बहुत अच्छे सॉल्यूशंस बनाए हैं बिग डाटा को लेके, बट ये स्मार्ट एग्रीकल्चर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को. आइए देखते हैं इन सारे लोगों ने क्या बेहतरीन किया है, किस तरीके से किया है. तो पहले बात करते हैं हम क्रॉप. I am Peeksha Kapurwan, co-founder of RealBox. We are a data analytics company, a lot like Google Analytics, but for offline business. I started my career as a chef, and like any brick and mortar business, it was the way of working was very primitive. We used to use Excel to record our sales, and it used to take us days to figure out where we went wrong. And that's how information to our technology started for me. In India, a woman entrepreneur is a very small community and we are looking out for more mentors to expand our horizon. Here we are outnumbered by thousands and in Black Box Connect, I'm hoping to expand that community and meet more leaders who are doing great in the world. देखा आपने किस तरीके से इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया और कितना बढ़िया तरीके से बिजनेस चलाया. आइए क्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं. Hi, I'm Krishna. I'm the CEO and founder of Cropin Technology. So let me give you a brief introduction about Cropin. We are an agtech startup and we work in the agriculture sector. Now if you see, agriculture is the world's largest industry. So every plot is like a factory and there is something getting produced out of those plots. And it has its own challenges. If you see in 2016 also, we hear a lot of farmers doing suicides or our yields are half of the other countries' yield. We are abusing the soil with the chemicals and the pesticides. So there is no means and ways where we can go and teach the farmer that how to use the sustainably the inputs into the farms. Also, the largest problem is we are going to be 9.2 billion by 2050 people, and then how do we feed those people? That means we have to increase our food production. I mean, we have to double the food production, which is not possible because the lands are shrinking, the soil fertility is going down. So now there are a lot of challenges. Now how do you address this? The only way we thought could be addressed is if you have enough data around it, and then you can play around the data to see like what are the challenges and how you are going to address it. With that thought, we started Cropin Technology, and we provide cloud-based mobile technology to the agribusinesses and the growers to do a data-driven agriculture and take advantage of it in the real time. आपने देखा किस तरीके से क्रॉपिन आगे बढ़ा है और कितने अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया है. आइए बात करते हैं रियल बॉक्स की. और रियल बॉक्स का ये वेबसाइट है, कस्टमर डाटा साइंस कंपनी है ये, और कितने सारे ब्रांड्स के साथ जुड़ा हुआ है. ये उनका पल्स डैशबोर्ड है, किस तरीके की उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू वो अपना काम करते हैं. और उनका मोटो है हार्ट बीट ऑफ योर बिजनेस. ऑब्वियस ही बात है, रियल बॉक्स करके इन्होंने एक और अपना सॉल्यूशन बनाया है. और जो टेक पावर इन योर हैंड्स ऑफ एनालिटिक्स फाइनेंशियल सर्विसेज भी मदद करते हैं बिग डाटा के साथ.
डाटा एनालिस्ट एंड डोमेन्स में मदद करते हैं, रिटेल लॉजिस्टिक्स ऑटोमोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस में मदद करते हैं, एनालिटिक्स ऑप्टिमाइज और डिप्लॉय इनकमिंग मोटो है, सेल्स एंड वेरियंस रिपोर्ट्स बनाते हैं ये, और सब कुछ होता है बिग डाटा के थ्रू। यूजर बिहेवियर इंसाइट्स भी देते हैं, एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स है इनका टोटल, और प्रेस और मीडिया के साथ ये बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है आज के टाइम पर अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो ये इनका हिसाब किताब है, ये इनकी सर्विसेज है, पल्स एनालिटिक्स, पल्स मार्केटिंग, पल्स ऑपरेशन, पल्स टीममेट और फुटफॉल मेट्रिक्स। डोमेन्स देखा जाए तो इतनी सारी डोमेन्स में ये काम करते हैं और इनका नोएडा बेस्ड ऑफिस है, यहाँ इनकी डिटेल दी हुई है। ऐसा ही सेम है क्रॉपिंग, क्रॉपिंग को अगर देखा जाए तो उनके प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर बेस्ड जितने भी बिग डाटा से रिलेटेड वो हैं। पहला है कंप्लीट फार्म मैनेजमेंट, दूसरा है बस पहला ही है और उसमें की फीचर्स दिए हुए हैं किस तरीके की सेगमेंट, और सेगमेंट देखे जाए तो किन किन सेगमेंट में काम करते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स होंगे बट ऑब्वियसली बात है फार्मिंग और एग्रीकल्चर में इनका मेन है, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया के लिए और एक तरीके से सोशल वर्क भी है और प्रॉफिटेबल, और ये इनके वर्क के बारे में पोर्टफोलियो के बारे में दिया हुआ है। इन्होंने इतनी सारी केस स्टडीज बनाई है इतने सारे ब्रांड्स के ऊपर और उनको मदद की है टेक्नोलॉजी कंप्लीट फार्म मैनेजमेंट के थ्रू, और काफ़ी मदद देते हैं ये इस तरीके से। दोस्तों आपका अगर खुद का भी कोई दिमाग में प्लान चल रहा है कि हाँ हम भी शुरू करें अपना बिग डाटा स्टार्टअप, तो आप शुरू ज़रूर करें, और शुरू करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप शुरुआत ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, उसके बगल में बेल बटन जो है वो ज़रूर दबाएं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, अगर आपकी कोई बिग डाटा से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी ईमेल आईडी भी है दी हुई है दोस्तों, ये एक व्हाट्सएप नंबर है, कोशिश करें व्हाट्सएप करने की, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट नहीं है, इसे एडवर्टीजमेंट माना भी ना जाए, ये सिर्फ एक ट्यूटोरियल है कि बिग डाटा एनालिसिस में या बिग डाटा स्टार्टअप में इंडिया किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और इंडिया को कैसे बढ़ना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसा वीडियो और कंटेंट लाता रहूंगा।